टैक्स चोरी, अफसरों की मिलीभगत से सिलटेक्स टीम का छापा। रेलवे में किस तरह से दिल्ली से बरेली तक करोड़ों का माल लाकर टैक्स चोरी की जा रही है, किस तरह से रेलवे अफसरों की मिलीभगत से सरकार को करोड़ों रुपए का चुना लगाया जा रहा है, इसका खुलासा आज बरेली जंक्शन पर हुआ। वाणिज्य कर विभाग की टीम ने छापा मारा तो ड्राइवर इंजन के साथ पार्सल बोगी को लेकर भाग खड़ा हुआ। टैक्स चोरों का जाल जंक्शन पर भी फैला हुआ है। इन धंधेबाजों से रेलवे के अफसर और कर्मचारी भी मिले हुए हैं। टैक्स चोरी की धरपकड़ को आज वाणिज्य कर विभाग की टीम ने छापा मारा तो ड्राइवर इंजन के साथ पार्सल बोगी को लेकर भाग खड़ा हुआ। वाणिज्य कर विभाग के अफसरों ने मुकदमा दर्ज कराने की बात कही तो वह इंजन के साथ बोगी लेकर जंक्शन पर लौटा। अफसर मामले की छानबीन में जुटे हैं। वाणिज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर एसपी सिंह के नेतृत्व में जंक्शन पर टैक्स चोरों की तलाश में आज दोपहर छापेमारी की गई। अफसरों को सूचना मिली थी कि दिल्ली बरेली पैसेंजर से लाखों की टैक्स चोरी का माल आ रहा था। ट्रेन दोपहर 1:10 बजे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंची तो अफसरों ने घेराबंदी कर ली। ट्रेन के रुकते ही ड्राइवर को पता चला कि वाणिज्य कर विभाग का छापा पड़ा है। ऐसे में उसने तुरंत इंजन के साथ पार्सल बोगी को अलग किया तो उसे यार्ड की तरफ लेकर भाग गया। इस पर अफसरों ने रेलवे अफसरों के सामने सख्त नाराजगी जताई, कहा कि इस तरह राजकीय कार्य में बाधा डाली जा रही है। इस मामले में जिन कर्मचारियों और अफसरों की मिलीभगत है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसके कुछ मिनट बाद ही ड्राइवर इंजन के साथ पार्सल बोगी को लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंच गया। अफसरों ने पार्सल बोगी खोलकर माल की जांच शुरू कर दी है। अफसर टैक्स चोरी के माल का आंकलन करने में जुटे हैं। जानकारी के मुताबिक इस तरह से वर्षों से करोड़ों का टैक्स चोरी किया जा रहा है। सूचना मिली थी कि दिल्ली बरेली पैसेंजर से एसएलआर से और उस पार्सल से ये माल जो है नंबर 2 का आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने योजना बना के एक गाड़ी को जो है स्टेशन पहुंचने पर चेक कराया। पार्सल का माल तो उतर चुका था, बाकी इन्होंने जो लीज का माल था, लीज और इंजन सहित ये यार्ड में लेके चले गए। इन्होंने बताया कि ये जो है प्लेटफार्म को खाली करना है, लेकिन जो बाकी बोगियां थी वो प्लेटफार्म पर काफ़ी देर तक लगी रहीं। उतने समय में हमारा ये माल एसएलआर का उतर जाया था। इसके लिए हम लोगों ने डीआरएम को, मुरादाबाद को, और यहाँ जो स्टेशन डायरेक्टर थे उनको फ़ोन किया गया कि अगर वो वापस नहीं लाते हैं तो हम लोग आगे कार्रवाई FIR की या जो भी होगी कराएँगे। तो उन लोगों ने फिर वो दोबारा इसको यहाँ इलाके यार्ड से यहाँ फिर ये बोगी लगवाए तो माल उतर रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इतना यहाँ सब रखा हुआ है जिसकी अभी काउंटिंग किया जाना है। ये तो यहाँ हौजरी दिख रही है। इसके अलावा भी जो पार्सल का माल था वो प्लेटफार्म नंबर 3 पर उतारा गया था, वो हमारा ऑफिस जा रहा है। ऑफिस जाने के बाद हम पूरी तरह बता पाएंगे कि कितना माल यहाँ हम लोगों ने डिटेन किया, रोका है। ड्राइवर को भाग गया था? नहीं, ट्रेवल हाँ भागा नहीं, वो कहे कि प्लेटफार्म खाली कराना था इसलिए इसको यार्ड में लेके चले गए थे। नहीं, अब ऐसा तो नहीं कह सकते, वो भाई उनकी बात भी हो सकता सही हो। स्टेशन मास्टर का जो कहना है कि हमको चूँकि और गाड़ियां लेनी थी, वो प्लेटफार्म खाली करना था, इसलिए हम इसको यार्ड में लेके चले गए। बाकी बोगियां भी हम ले जाते यार्ड में, लेकिन वो बाकी बोगियां तो वहां खड़ी रही प्लेटफार्म में। हाँ नहीं, हम लोगों ने इस चीज़ को उनसे कहा तो वो कहा कि नहीं वो भी हम ले जाएंगे, अभी यार्ड में उसको ले जाएंगे, लेकिन वो गई नहीं काफ़ी देर तक। फिलहाल वो फिर वापस ये ले आए। नहीं, ये घटना ढंग की हुई, अब सीधे तो भाई नहीं कह सकते, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। संदेह जांच कराएंगे आप? नहीं, अब माल तो नहीं, गाड़ी जो आ गई उन्होंने वो ला के लगा दिया, तो आगे तो भाई इस ढंग से तो नहीं बनता भाई। सर, आपका नाम? आरके मौर्य, जॉइंट कमिश्नर सेल्स टैक्स। क्या मामला है? मामला क्या? मामला करा बंचन का है। जो माल दिल्ली से आता है, ज़्यादातर माल ले आते हैं बिना बिल पर्ची के ले आते हैं, इसीलिए एक योजना सूचना मिल रही थी तो इस योजनाबद्ध तरीके से एसपी सिंह साहब हमारे एडिशनल कमिश्नर हैं, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से सारे अधिकारियों की टीम तैयार करके आज एकदम से स्टेशन पर छापा मारने को कहा, उसी के तहत ये कार्यवाही की गई है। और अभी लगभग जो जैसा साहब ने बताया तो गाड़ी आगे निकल गई थी, तो वहाँ से फिर जो है मंगवाया हम लोगों ने स्टेशन डायरेक्टर और मुरादाबाद मंडल DRM से कह करके, तो गाड़ी भाग गई है, सारा माल उतर रहा है सामने है, और लगभग 150 के आसपास नग जो है लगभग कुल होंगे जो उतार के रखे जा रहे हैं। अभी इन्हें ट्रक से हम वापस भिजवाएंगे, बाद में इसका मूल्यांकन किया जाएगा क्या स्थिति है।
तो उसके अब मिली भगत क्या जो भी स्थिति हो, अब ये तो नहीं कह सकते किसकी मिली भगत है, लेकिन माल तो आ ही रहा है, जो आ रहा है उसी के लिए कार्यवाही की गई। अब ये था कि आगे ले गए थे, हो सकता रहा हो माल के साथ, पेपर भी कुछ हो सकता है, लेकिन जब ये देखा जाएगा माल ले जा करके वहाँ क्या स्थिति है, अगर कुछ जो जब आदमी सामने आएगा इस पर सिक्योरिटी जमा होगी, जो भी स्थिति है और जो सरकारी राजस्व है वो जमा कराया जाएगा।